वेलकम, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज़ फ़िलहाल मैं अब दिल्ली से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, दिल्ली में से। और गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं मंदिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट जगह से। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप मेरे पीछे की साइड देख सकते हैं, शनिदेव जी महाराज जी का मंदिर है। तो मैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर से करता हूँ। देखिए शनिदेव महाराज जी का मंदिर है यहाँ पर। ये शनिदेव जी की मूर्ति है और पूरे नवग्रह देवी देवताएं हैं। और देख सकते हैं वहाँ पर बालाजी की मूर्ति है, देखिए शानदार मंदिर है, पास में ही है हमारे। देख सकते हैं ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। आज सुबह सुबह का, तो आज सुबह का व्लॉग यहाँ से ही स्टार्ट किया, नरसिंह भगवान के मंदिर से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर तो सर्दी का बहुत ठंडा माहौल हो रहा है, क्योंकि बाहर की साइड में बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। यहाँ पर इधर की साइड देखिए, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपन तो भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह वैसे तो भगवान के दर्शन करते हैं, और यहीं से लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत जाके ठंडक, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन कोई ना, भगवान के दर्शन हो गए। देखिए मंदिर, बहुत ज़्यादा माहौल है, बहुत ज़्यादा सर्दी का माहौल है। तो यहाँ पर हम तो तप रहे हैं, गांव में सब ठीक ठाक, सब बढ़िया जाएगा। दिल्ली का सर्दी का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो गाइस फिलहाल मैं अभी खाना खा लेते हैं यहाँ पर ढाबे पर। और देखिए खाने में रोटी सब्जी, और गाइस पहले खाना खा लेते हैं। और उसका माहौल देखिए बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। अभी बाहर आए हैं रोड पर, तो अब मैं आपको रोड का व्यू बताता हूँ, दिल्ली के रोड का व्यू। अब मेरे पीछे की साइड देख सकते हैं रोड का व्यू, अभी रोड पर हैं अपन। और आप रोड का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सारी भीड़ भाड़ है, काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब भाई पूछे मत बात, गाड़ियों का तो ढेर लगा हुआ है गाइस, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, जहाँ पर देखेंगे जहाँ पर ही गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। क्योंकि ये दिल्ली से, आप भी समझते हो दिल्ली है। अभी अपन घूमते हैं आज, तो देखते हैं करेंगे तो देख लेंगे। अभी तो फिलहाल में कहीं पर जाने का है नहीं माहौल भाई, तो अपन कल से चलेंगे। अभी तो रोड पर है, रोड पर घूम लेते हैं गाइस। तो गाइस फिलहाल मैं घर पर पहुंच गए, अपना तो घर ही है अभी, मकान के बराबर ही है, कमरा है गाइस। देखिए आप क्या है, अभी तो क्या है, दादा बाहर गए हुए हैं, तो आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हैं यह यहाँ पर, फर्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं भगवान से। तो गाइस ये भगवान जी का मंदिर है छोटा सा। और गाइस देखो चारों तरफ थैले थैले टके हुए हैं, ये देखो पर्दा। गाइस पर्दा देख सकते हैं कितना गंदा हो रखा है भाई, मतलब तेल में ही हो रहा है भाई, गाइस देख सकते हैं। और गाइस ये देखिए सबसे मैन लैंड भाई, कपड़ों की अपना बैग ये रहा है ना। और देखो, और गाइस तीन बज गए, देखो तीन बज गए, और शाम बाहर भी कपड़े कपड़े टके हुए हैं, और ऊपर टेंट है ही। और गाइस देखो पंखा देख सकते हैं, गंदा हो रहा है भाई, गंदा सूप। और गाइस यार मतलब क्या है, रात को है ना, रात को यहाँ से है ना, यहाँ से बेड के नीचे से मतलब यार चूहे बहुत परेशान कर दिए गाइस, मतलब यार रात को सो ही नहीं पाया मैं, मतलब परेशान है। कभी कौन सा चूहा आता है, कभी कौन सा चूहा आता है भाई। इस बंदर माड़ा टकरी गाइस, देखिए कपड़ों की लैंड भाई, यहाँ पर चाचा की, यहाँ पर दादा की, यहाँ पर उनके भाई उनके कपड़े, मेरे दोनों बाबा की। देखो बिस्तर कैसे टके हुए हैं गाइस, पता है इस कमरे का हाल क्यों है ऐसा, क्योंकि गाइस यहाँ पर है ना, मतलब मेरे दादा और ही रहते हैं, तो साफ़ सफाई भी नहीं रखते। देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो भगोनी के अंदर देखो कैसे मतलब भयंकर काम कर रखा है भाई, बेलन को देखो मान दे भाई। और गैस वैस देख सकते हैं गाइस, चाय पीने के लिए एक ही कप है भाई, टाइम पास का एहसास। तो ये देखो बुखारी, यहाँ से चूहे आते हैं रे यार गाइस, राइट लाइन वाई हो रही है भाई, लाइन वाई। अपन ने भी शामिल कर दिया यहाँ पर थैला, गाइस कर रहे हैं यहाँ पर टाइम पास, देखते हैं दिखा कुछ
अच्छा माहौल बन जाए प्रभु की कृपा से, तो चलेंगे बाहर। और देखो बाहर तो कपड़े टिक रहे हैं भाई, बाहर का माहौल भी है, सभी छोटे छोटे कमरे का, इस छोटा सा कमरा है ये भी, तो अभी अपने इसी में रह रहे हैं अभी। अभी अपनी पहला दिन है दिल्ली पर, पहला दिन है तो गए इस बात, तो सर्दी का माहौल था बहुत तगड़ा, लेकिन क्या है भगवान, मैंने बहुत प्रार्थना करी भगवान कि धूप निकल जाए, तो गाइस धूप भी निकली गाइस, बहुत धूप निकल गई। देखो आपको जूम करके बताता हूँ, धूप निकल गई बाहर तो तो गाइस धूप वूप तो निकल गई, आराम से बैठ भी आए। और अभी फिलहाल में तो देखते हैं पानी भी, ये बिस्लेरी वाला तो कर लिया था 10 रुपये का, लेकिन अभी तो इसमें दिल्ली का पानी भरा हुआ है, तो यार दिल्ली का पानी भी कड़वाई है आज तो भाई, बहुत भयंकर यार सर्दी लग रही है, नहाए भी नहीं गाइस आज तो, मैं सर्दी लग रही थी भाई, सर्दी के मामले में नहाए नहीं भाई गाइस यार। अभी तो फिलहाल में यहाँ पर है चाय वाय, तो क्या करेगा इस शाम की चाय तो है नहीं, नसीब में कोई है नहीं बनाने वाला और अपन क्या बनाएंगे, पी लिए रहे यार चाय, क्या करेंगे ऐसे ही मम्मी के हाथ के। आज गाइस सभी को मिस कर रहा हूँ मैं, मेरे पहले तो मेरे माँ बाप को, मेरे पेरेंट्स को, क्या यार वहाँ पर रहते थे काफ़ी मज़ा आया करता था गाइस, सभी को मिस कर रहा हूँ यार मैं तो, मतलब यहाँ पर आते यार अकेला सा महसूस हो रहा है और दोसा को भी मिस कर रहा हूँ गाइस, मतलब दोसा में कई सारे लोग थे तो उन सभी को मिस कर रहा हूँ, क्या मतलब यहाँ पर आते हैं कल तो इतना मतलब अजीब सा मन हो गया भाई, क्या चलो रे यार, मेरे को तो परेशान हो गया कि नहीं बढ़ाना ब्लॉग ब्लॉग, घर जा रहा हूँ मैं तो परेशान हो गया, मेरे काम यार गाइस यहाँ पर मेरे दादा के साथ आने का था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को बता सकूँ कि दिल्ली में भी कौन कौन सी जगह है जा पाते हैं तो अपन, तो गाइस इसलिए आया था मैं तो, और मेरे दादा के साथ भी आना ज़रूरी था, क्या आजकल बड़े बड़े बूढ़े लोग हैं यार, के साथ रहना ज़रूरी है, इसलिए अभी भी कोई भी परेशानी हो जाए इसी कारण। तो गाइस यार कल तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था गाइस, बहुत ज़्यादा मन बहुत बेकार हुआ था यार भाई, मतलब यार अजीब सा मन हो गया अचानक, दोसा से यहाँ पर आया ना तो कोई जानता वाणता है नहीं यार अपन को, सभी अनजान है, नहीं किसी से बातचीत कोई और नहीं, तो इसलिए अभी तो फिलहाल मैं हल्का बहुत सही हो गया गाइस मन, तो अब देखते हैं कल की सुबह क्या लेकर आती है अपने लिए, देखिएगा गाइस, और वीडियो को गाइस शेयर कर दीजिए गाइस प्लीज़ यार प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिए गाइस। रात हो गई और गाइस आज खूब घूम लिया, घूम तो कहाँ पे लिया, लेकिन ऐसे ही मंदिर के चक्कर काट लिए, और आप बार भी रोड पर घूमे, और गाइस कल चलेंगे और घूमने तो देखेंगे कल। और गाइस फ़िलहाल मैं अभी तो घर पे आ गए, और घर पर आते ही देखिए आज है पनीर की सब्ज़ी, पनीर वो होती है ना क्या बोलते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी है और रोटी है, देखिए पालक पनीर और रोटी खा रहे हैं गाइस, खा लेते हैं पालक पनीर रोटी, सुबह से भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तो खाना खा लेते हैं। और गाइस फ़िलहाल में आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल गाइस, और गाइस देखते हैं कल दूसरा दिन दिल्ली का कैसे गुजरता है, देखते हैं कल चलते हैं नहीं चलते कहाँ पर, चलेंगे ज़रूर लेकिन देखते हैं, लेकिन और देखते हैं भगवान की मर्ज़ी। गाइस फ़िलहाल में मिलते हैं कल गाइस, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार देख रहे हो तो गाइस कमेंट करके बताइएगा गाइस कैसा लगा, और गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइस, बाय बाय, ठीक है भाई।